इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। कभी तो त्रिलोकी का राजा था, ये किसने है, ये भोगेगा, बिल्कुल भोगे, महामूर्ख आदमी है इसको बिल्कुल। आज हम प्राचीन अनादि श्री कामरनाथ पूर्वी मुखारविंद मंदिर प्रथम द्वार पर बैठे हैं। इत्तेफाक से संयोगवश हमें अखिल भारतीय संत संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महंत सहजानंद ब्रह्मचारी जी मिल गए, तो हमें लगा क्यों ना हम धर्मनगरी चित्रकूट से ही अंधविश्वास और चमत्कार पर बात कर लें, और जो नेताओं की परंपरा बन गई है धर्म पर उंगली उठाने की और रामचरितमानस को जलाने का जो काम किया जा रहा है उस पर भी हम आपसे चर्चा करने की उम्मीद से अभी मिले हैं। क्या कहेंगे आप वर्तमान समय में जो कुछ भी हो रहा है, नेता जो कर रहे हैं, रामचरितमानस चला रहे हैं? ये जो नेता लोग कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। रामचरितमानस हमारा अनादिकाल से ग्रंथ है ये, और इसमें भगवान राम का चरित्र, और ये जो रामचरितमानस है ये हमारा मूल ग्रंथ है, और इस ग्रंथ के विषय में जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा ये बिल्कुल बहुत गलत है। हाँ। और उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ दुष्ट की। इसने ये जो भगवान रामचरितमानस के विषय में जो बोला है और ये सब जला, ये घोर है और इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। मतलब बुरा परिणाम भोगेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य? बिल्कुल भोगेंगे। रावण ने भोगा है कि नहीं? देखो हाँ। है वो भी तो त्रिलोकी का राजा था, ये किसने है, ये हाँ। भोगेगा, बिल्कुल भोगेगा ये। ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि संतों ने और रामचरितमानस में जातियों को बताया गया कि छोटी जाति बड़ी जाति शूद्रों का अपमान किया गया, हाँ, पता नहीं क्या कुछ। इसमें कोई ना तो छोटी जातियों का अपमान किया गया ना शूद्रों को, भगवान तो सबको लेके चले, शूद्रों को भी गले लगाया भगवान ने, केवट के गले मिले और यहाँ भीलों के साथ चित्रकूट में रहे, बिल्कुल बिल्कुल सबके साथ में रहे और यहाँ सबके साथ बैठे उठे, यहाँ तो उन्होंने 12 साल बिताए यहाँ पे, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमको तो कभी ऐसा नहीं, कोई ग्रंथ में नहीं लिखा है कि उन्होंने किसी शूद्रों का या किसी का अनादर किया हो, ये सब मनगढ़ंत बात है। ये महामूर्ख आदमी है, इसको बिल्कुल महामूर्ख आदमी है, कमीज नहीं है इसको बोलने की, बिल्कुल हाँ। और तो क्या लगता है आपको, क्या कहते हैं इस तरह से कर रहे हैं लोग, क्या इससे राजनीतिक माइलेज लेना चाहते हैं संतों से ऐसे खिलवाड़ करके? इससे कोई राजनीति माइलेज नहीं मिलेगा ये, इससे सर्वनाश ही होगा इनका राजनीति का, बिल्कुल हाँ। अच्छा एक बात और सामने आ गई है कि देख रहे हैं आप अभी बागेश्वर धाम को लेकर के एक संस्था है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, वो कहती है कि बाबा अंधविश्वास फैला रहे हैं, चमत्कार नहीं है अंधविश्वास है। नहीं अंधविश्वास नहीं है, अगर अंधविश्वास होता तो करोड़ों की और पब्लिक उनके साथ आ रही है तो क्यों आती है, सब अंधविश्वास ही के कारण आ रही है क्या, उनमें कुछ है तभी तो आ रही है, सबका वो निराकरण हो रहा है, सबका वो उनको सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनके आशीर्वाद से लोगों का काम हो रहा है, सब हो रहा है, तो इसीलिए तो पब्लिक उनसे जुड़ रही हो, काहे का अंधविश्वास फैला रहा है, बाबा कभी अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आप भी बाबा हैं संत हैं, तो कभी आपने कोई ऐसा चमत्कार किया तंत्र मंत्र से लोगों का ठीक किया आपने? बिल्कुल किया है और तंत्र मंत्र से ये लोगों का कल्याण होता है, और निस्वार्थ भावना से होना चाहिए, इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए बस। अच्छा तो कैसा क्या लगता है, अगर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बारे में? जनता को हम संदेश देना चाहते कि अपना सनातन धर्म हिंदू धर्म को माने और हिंदू धर्म के देवी देवताओं में जाएं और अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करें, और साधु संत और जो अपने जो लोग हैं इनका सम्मान करें, इनको पूजें और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं इसी माध्यम से इस चैनल को भी मैं आशीर्वाद देता हूं और मेरी शुभकामना इस चैनल को। तो देखिए बाबा जी ने भी हमारे चैनल को आशीर्वाद दे दिया है, शुभकामनाएं दे दी है, हमें भी उम्मीद है कि हम आगे ऐसे ही काम करते रहेंगे। एक बड़ा सवाल बस आपसे करेंगे, क्या आप भी हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं? हम तो रामराज बनाने के पक्ष में हैं। अच्छा रामराज होगा तो रामराज में तो सभी हिंदू भी हैं, सभी लोग हैं, हाँ हाँ सभी आ जाएंगे उसमें, तो चाहे सभी हैं, रामराज होना चाहिए।
हाँ। तो बेशक बाबा जी ने बड़ा ही चतुराई पूर्ण बहुत अच्छा जवाब दिया कि राम राज्य बनाना चाहते हैं और राजनीतिक लोग भी राम राज्य बनाना चाहते हैं। बने रहिएगा, हम और भी संतों से आपको मिलाएंगे। अंधविश्वास है, चमत्कार है, और रामचरितमानस की जो प्रतियां फाड़ने का और जलाने का काम किया गया है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, सीधा बाबा जी ने कहा है कि निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और महामूर्ख कहा है, और ये भी कहा है कि विनाश हो जाएगा स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो तय मानिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी कि संतों से आपने क्या कहते हैं लिया है मोरा, ये मान के चलिए कि अब विनाश का समय तो आ गया है, निश्चित है।